कानपुर पार्क में महिला ने जीआरपी सिपाही के कपड़े फाड़े। बदसलूकी और कपड़े फाड़ने का वीडियो वायरल। महिला ने जीआरपी सिपाही पर चार शादियां करने का आरोप लगाया। महिला ने खुद को सिपाही की पत्नी बताया। नौबस्ता थाना क्षेत्र के हंसपुरम वाटर पार्क का मामला। थाना रनिया पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 30/22 जो श्री बलवंत सिंह की हत्या से संबंधित है, उस क्रम में अवगत कराना है कि मेरे द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमों का गठन किया गया था, जिस क्रम में आज तत्कालीन एसओजी प्रभारी, जिन्हें पूर्व में सस्पेंड कर दिया गया था, प्रशांत गौतम की अरेस्टिंग करी गई है। बाकी हमारी टीमें समयबद्ध और टारगेटेड वे में अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है। हम अपने घर में रखते हैं क्या? आपको नहीं, हम फिर क्या धमकाने तो है लोग ढंग से बात करो ना सर। हम धमकाने नहीं आए, हम तो बात कर रहे हो ना, बात कर रहे हो ना, इसमें भीड़ निकल जाओ, बोरा निकल जाओ, बैठ जाता है। हमारी बच्ची को ला दो, हमारी जेब में रखी है, जेब में नहीं रखी। हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, जेब में हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। प्रयास करो तो 6 दिन हम परिवार में 6 दिन रह गया, जाने ऊपर पड़े। लाओ कल भी लड़की के बाप कहाँ गया, कहाँ गए? नाम हमारा अमनजीत सिंह। क्या समस्या थी? समस्या ये है, हमें हमारी लड़की 5 दिन हो गए। कौन सी लड़की? जेवर खादर थे। वही लड़की है? हमारी लड़की है। क्या नाम? समाज की लड़की है। समाज के मतलब ठेकेदार मैंने घूम रहे हो क्या? क्यों हम लोग समाज के नहीं है क्या? आप भी समाज के लोग नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पूरे मुल्क में जिस तरीके से शाहरुख खान की एक फिल्म पठान के ऊपर एक विवाद मसला चल रहा है, मेरा सिर्फ ये कहना है, कई फोन मेरे पास आए, लोगों ने मुझसे कहा भी, कई मुस्लिम संगठनों में एतराज भी देता है, शरई रूप से मैं जो बात इस्लामिक नुक्ता नजर से बताना चाहता हूँ कि शाहरुख खान जो है वो अभी हाल ही में उमरा करके वापस आए हैं। उन्होंने अपने फोटोज भी वहां पे वायरल किए, अपलोड किए सोशल मीडिया के जरिए और सबको ये बताया। तो ये और यहाँ आने के बाद पठान एक कास्ट है जो मुस्लिम कम्युनिटी से आती है, बड़े मयूर कौम है पठानों की और बड़े अच्छे उनके खान अब्दुल गफ्फार जो है वो जो थे एक फ्रीडम फाइटर थे। पठानों की बड़ी तारीख रही है, उन्होंने ऐसे अय्याश नाचने गाने वाले पठान कभी नहीं गुजरे पठान कौम के अंदर। जिस तरीके से पठान मूवी के अंदर ये जो अश्लीलता फैलाई जा रही है, जिस तरीके से नंगापन दिखाया जा रहा है, इस्लामिक नुक्ता नजर से सरासर गलत है। ये दोहरी पॉलिसी है, इसको निफाक कहते हैं कि कहना कुछ और है, अमल कुछ है। एक तरफ आप बता रहे हैं पूरे दुनिया को कि आप उमरा कर रहे हैं, आप बड़े नेक हैं, बड़े इस्लाम को फॉलो करने वाले, दूसरी तरफ आपकी जहनीयत यह है कि इस्लाम का, मुसलमानों का, पठानों का तारुफ आप इस तरीके से करवा रहे हैं। क्या ये खुदा न खास्ता ये कौम नाचने गाने वाली है? तो इसलिए मेरी तो गुजारिश ये है कि उनको कलमा पाना चाहिए दोबारा, शाहरुख खान को, और हज कमेटी से भी मैं कहूंगा, जो उमरा के लिए भेजते हैं उनसे भी कहूंगा, एमबीसी से भी कहूंगा कि ऐसे लोगों के भी वहां के वीजा इनको मिलने की कतई इजाजत नहीं होनी चाहिए। और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि ऐसी मूवियों का, ऐसी फिल्मों का सभी लोग विरोध करें, पूरी कौम हमारी, क्योंकि यहाँ पे लाखों करोड़ों मुसलमान रहते हैं, इनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। इस्लाम का एक जो परिचय कराया गया है, मुसलमानों का जो परिचय कराया गया है, पठानों का जो परिचय कराया गया है, वो सरासर गलत है। इस तरीके के ना हम होते, ना जो है इस्लाम इस बात की इजाजत देता। तर्कों से ज्यादा चीजों को अनुभूति से, इंट्यूशन से महसूस करती हूँ। मैं मनोविज्ञान की भी छात्रा हूँ, मैं साइकोलॉजी को भी बहुत अच्छे से समझती हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवा रंग में दीपिका पादुकोण का वो बिकनी पहन के खड़ा होना
शाहरुख खान को अश्लील तरह से दीपिका पादुकोण को पीछे से पकड़ना और उस गाने का नाम बेशरम रंग होना इत्तफाक हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर दीपिका पादुकोण ये क्लेम करती हैं कि नहीं ये तो नॉर्मल है, तो या तो वो बहुत भोली हैं, वो भारत के विरोध में जो एजेंडा चल रहा है उसको जानती नहीं है। अगर शाहरुख खान ये क्लेम करते हैं कि मुझे कि ये तो आप लोग जबरदस्ती का कट्टरवाद फैला रहे हैं, तो या तो ये दोनों बहुत भोले हैं या फिर जानते नहीं है कि क्या चल रहा है भारत के खिलाफ, या फिर बहुत चलाक है और जानबूझ के ये भारत को इंसल्ट करने के लिए ये चीजें करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण से भी अपील करना चाहती हूं कि पहले जाकर पढ़िए वो वामपंथ, जिस जेएनयू में जाकर दीपिका पादुकोण खड़ी हो जाती हैं, पढ़िए वामपंथ का इतिहास। पूरे विश्व में वामपंथ ने कैसे समानता के नाम पे, इक्वालिटी राइट्स के नाम पर लोगों को भड़काया, उकसाया, लोगों को बांटा, लड़ाया, मारा, काटा, लेबर कैंप्स बनाए, अपनी राजनीति करी, सत्ता चलाई, डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा दी। पहले जाके उस वामपंथ को पढ़िए, तब जाके जेएनयू में इक्वालिटी राइट्स की बात कीजिएगा। अभी आप लोग बहुत इग्नोरेंट हैं। जिसका काम उसी को साझे और करे तो डंका बाजे। आप अच्छी कलाकार हैं, आपको एक्टिंग करनी आती है तो आप या तो वही करिए, और अगर आप समाज के प्रति कुछ करना चाहती हैं तो मेरी आपको यही सलाह है कि पहले आप भारत का प्रवास करिए, भारत के हर वर्ग के लोगों से मिलिए, भारत के खिलाफ कौन कौन सी ताकतें काम कर रही हैं उनको जानिए। इतना कैजुअली और इतना हल्केपन में जाकर जब आप लोग भारत विरोधियों के साथ खड़े हो जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं उस कला का, उस इंडस्ट्री का भी अपमान कर रहे हैं जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं। यही सेम मैसेज मैं शाहरुख खान को भी देना चाहती हूं। आप फिल्म बनाते हैं पठान, देखिए आप लोग किस तरह का मैसेज देते हैं भारतीय बच्चों को। मेरा नाम सुबूई खान है। अगर ये मैसेज, बीती रात जहांगीराबाद में एक श्रीजी फार्म हाउस है जहां पे हापुड़ से एक बारात आई। बारात में रात को लगभग 11 बजे डांस डीजे पे कर रहे थे। उसी में कन्या पक्ष के ही दोनों ग्रुप हैं, उनमें कुछ कहा सुनी हुई जिस पर किसी नुकीले ऑब्जेक्ट से हमला कर दिया और तत्काल लड़के को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई। परिजनों की तहरीर पे 302-307 आईपीसी का मुकदमा 4 ज्ञात और 1 अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कर दिया गया है। 1 अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है, शेष अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हो जाएगी। झगड़े का बहुत फीका फीका सा वीडियो आया, बहुत साफ साफ वीडियो नहीं दिख रहा, लेकिन वीडियो है वो भी उपलब्ध करा दिया। मूल बात यही कि शराब पिए हुए थे लोग, उसी में कहा सुनी हुई और बात आगे बढ़ गई जिसकी वजह से इनमें विवाद हुआ।